ओके जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग का, और उसमें थी जी बैंक की सिक्योरिटीज़ या बैंक के लोन्स और उसके यूजेस यानी फंड्स कैसे वो लेता है और उनको आगे कहाँ कहाँ पे यूज़ करता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था जी कि आपके लोन्स किस तरह से दिए जाते हैं, लोन्स की टाइप्स क्या हैं। अब हम पढ़ रहे थे कल जी कि अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। इस चैप्टर में अब आगे हमने पढ़ना है कि काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको आप एज ए सिक्योरिटी रखवा सकते हैं, ये सिक्योरिटी किस किस तरह से आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कोई टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट को ही रखवाएं या अपनी मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को रखें, मतलब लैंड के अलावा भी आपका जो मतलब आपकी बिल्डिंग है उसके अलावा भी आपकी कुछ और सिक्योरिटीज होती हैं। पहले वो कहता है जी पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी में वो कहता है जब कोई शख्स खुद अपनी गारंटी अपनी जमानत खुद देता है, यानी उसने लोन लेना है, लोन की अमाउंट थोड़ी कम है, बैंक ये कहता है जी आप रिटर्न फॉर्म में मुझे एक हल्फनामा या एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दें कि आप कितने देर बाद मुझे ये पैसे वापस कर देंगे। तो जब वो शख्स अपनी गारंटी खुद दे रहा होता है, यानी वो लिख के दे रहा है, इसको ज़ाती या शख्सी जमानत, ज़ाती जमानत भी कहते हैं और शख्सी जमानत भी कहा जा सकता है। इसमें वो क्या करता है जी, एक पीस ऑफ पेपर पे प्रॉमिस लिख के देता है जी कि मैं आपको ये पैसे या लोन के पैसे जितनी भी या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली एक टाइम के बाद वापस कर दूंगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन में यही होता है जी कि कितने टाइम के बाद करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करना है और किस तरह से करना है। यानी फर्स्ट टाइप में पर्सनल गारंटी या ज़ाती जमानत से मुराद ये है कि जी जब कोई शख्स लोन लेते हुए या कर्जा लेते हुए अपनी जमानत खुद दे और बैंक से वादा करे कि मैं आपको ये अमाउंट रीपे करूंगा ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी हमने पहले से तय की हुई है शरायत या कवायद जवाबित उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम जाती या शख्सी जमानत कहते हैं। सेकंड वन है जी गारंटी। अब वो कहता है जी इसमें क्या आता है, कहता है अगर आपने इतनी अमाउंट ऑफ लोन ली हुई है जिसमें आपकी पर्सनल गारंटी इनफ नहीं है, यानी वो काफ़ी नहीं समझी जा रही, तो बैंक ये कहता है जी आप अपनी जगह कोई ऐसा और शख्स यानी थर्ड पर्सन ले आए जो आपकी गारंटी दे सके कि अगर आप पैसे, यानी पहली तो ये गारंटी दे कि आप पैसे देंगे और दूसरी गारंटी ये दे जी कि अगर खुदा ना खास्ता आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू पे, आप अपना लोन की अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो वो शख्स ये जमानत दे के वो आपकी जगह पे पैसे देगा। अब वो कोई भी शख्स हो सकता है लेकिन वो ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन मार्केट में ठीक हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, वो पहले से डिफॉल्टर ना हो, ये चीज़ें देख के भी वो आपका डिसाइड करेगा बैंक कि किस किस्म का ये शख्स होना चाहिए जिसकी सिक्योरिटी मैं ले रहा हूँ। वो आगे चल के हम पढ़ते हैं कि इसकी जो गारंटर है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या है। अभी फ़िलहाल के लिए गारंटी में वो कह रहा है जी कोई थर्ड पर्सन जब आपकी लोन के सिलसिले में जमानत देता है या आपको गारंटी देता है तो उसको आपका वर्ड गारंटी यूज़ किया जाता है उसके लिए, और वो शख्स गारंटर कहलाता है। अब उसने कहा जी इफ सम पर्सन या इफ पर्सन गारंटी पर्सनल गारंटी इज नॉट कंसिडरेबल, बैंक में आस्क अबाउट समवन एल्स यानी थर्ड पर्सन हु कैन गिव द श्योरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी बैंक आपसे डिमांड कर सकता है, बेसिक राइट ऑफ द बैंक। द पर्सन हु गिव्स द श्योरिटी इज कॉल्ड गारंटर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट। अब वो कहता है जी गारंटी है क्या, उसने कहा गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ही बिकम्स डिफॉल्टर। पर्सनल गारंटी में तो वो अपनी गारंटी खुद दे रहा है जी कि अगर मतलब उसमें डिफॉल्ट के चांसेस हैं ही नहीं, उसमें वो कह रहा है जी मैं अपनी जमानत खुद दे रहा हूँ कि मैं आपको पैसे पे कर दूंगा, बट इन केस ऑफ थर्ड पर्सन उसने कहा जी गारंटी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जी आपस में मुआहिदा, कहते हैं जी एक ऐसे मुआहिदे का नाम है गारंटी जिसमें आप किसी तीसरे शख्स की गारंटी दे रहे होते हैं, तीसरे शख्स की जिम्मेदारी को अदा कर रहे होते हैं इन केस अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पे नहीं कर सकता। अब उसने कहा जी दो टाइप्स की गारंटी हो सकती है, एक आपकी स्पेशल गारंटी और दूसरी आपकी कॉन्टिन्यूस गारंटी। स्पेशल गारंटी से क्या मुराद होगा जी, एक ऐसा शख्स, सपोज हमने किसी को नॉमिनेट कर लिया हुआ है कि जी जब भी लोन लूंगा इसी को एज ए गारंटी या श्योरिटी रखूंगा, सपोज मैं हमारा एक बिजनेस है, हमने अपने एक डायरेक्टर को नॉमिनेट किया हुआ है, एक पर्सन को नॉमिनेट किया हुआ जो हमारी हर केस में गारंटी देगा, बट हमने अगर उसको किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन यानी हमें एक दफ़ा कर्जा लिया और हमने बैंक को कहा जी कि ये हमारी इस केस में गारंटी देगा या हमारा गारंटर है, तो वो आपकी स्पेशल गारंटी कहलाएगी जो सिर्फ वन टाइम लोन के लिए आप दे रहे हैं।
लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको आप अगर एक टाइम पे आपने डिफरेंट प्लेसेस से या डिफरेंट बैंक से लोन लिया हुआ है ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स, लेकिन आपने उसे हर जगह पे एज ए गारंटर नॉमिनेट किया हुआ है, या आप जब भी लोन लेते हैं, सपोज मैंने एक शख्स को बैंक को कहा जी कि ये गारंटर है, हर दफा जब भी मैं लोन लूंगी, चाहे साल बाद लूँ, 2 साल बाद लूँ, पिछला वाला लोन रीपे करने के बाद यही शख्स मेरी गारंटर या मेरी गारंटी देगा। अब वो जो एक लोन के लिए है, ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन के लिए है, वो आपकी स्पेशल गारंटी कहलाती है। और ऐसा शख्स जो आपकी हर किस्म के लोन के लिए हर टाइम, यानी जब भी आप लोन लेंगे, जब भी वो गारंटी दे रहा है या उस गारंटर का रोल प्ले कर रहा है, तो वो शख्स आपके कॉन्टिन्यूस गारंटी कहलाएगा। अब स्पेशल गारंटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है श्योरिटी विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफिक लोन ओनली, यानी किसी खास किस्म के लोन के लिए है, वो आपका स्पेशल गारंटर या स्पेशल गारंटी। और कॉन्टिन्यूस गारंटी में अ काइंड ऑफ श्योरिटी विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर दी ऑल लोन्स टेकन बाय दी बॉरोअर टाइम टू टाइम, ये जब भी वो कर्जा लेगा वो उसकी गारंटी वही शख्स प्रोवाइड करेगा, उसको आपकी कॉन्टिन्यूस गारंटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है जी, हमने देखना है पार्टीज इन अ गारंटी की, जमानत के केस में कितनी पार्टीज होती हैं, तो 3 होती हैं जी, हमेशा याद रखिएगा, एक आपका डेटर, एक क्रेडिटर और तीसरा आपका गारंटर। डेटर हमेशा वो कहता है जी ही इज द पर्सन हु टेक्स द लोन फ्रॉम बैंक, जो शख्स बैंक से पैसे ले रहा है वो बैंक का डेटर है, यानी उसने कभी ना कभी बैंक को पैसे देने हैं। क्रेडिटर जिसके पैसे हमने देने हैं बैंक, आपका हमेशा क्रेडिटर होगा, लाइबिलिटी होगा, जिसने बैंक ने, मतलब क्रेडिटर इज द बैंक दैट प्रोवाइड्स द लोन टू द बोरोअर एंड एक्सेप्ट्स द गारंटी। और गारंटर हमेशा वो थर्ड पर्सन, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इदारा हो सकता है, यानी उसने कहा कि द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु गिव्स द गारंटी ऑफ द डेटर, बोरोअर या लेंडर, उस गारंटी देता है टू द लैंडर फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी आपके डेटर की गारंटी देता है क्रेडिटर को इन केस ऑफ लोन। अब वो कहता है जी प्रिकॉशंस फॉर गारंटी, कि हमने किसी भी शख्स को जमानत के तौर पे या एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हुए या उसकी सिक्योरिटी लेते हुए, कि उसकी क्या क्या कंडीशंस देखनी है, कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी ऐसी ट्रेट्स होनी चाहिए जो हम उसको एज ए सिक्योरिटी या एज ए गारंटी एक्सेप्ट कर लें। फर्स्ट वन है कि फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने पहले कहा है कि उस शख्स की फाइनेंशियल पोजीशन यानी माली हालत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उस शख्स की निस्बत जिसने लोन लिया है या जिसकी वो गारंटी दे रहा है। अगर वो शख्स ही ऐसा नहीं जिसके अपने माली हालात कमज़ोर हैं, सपोज किस तरह से उसके फाइनेंशियल पोजीशन, अगर वो सैलरीड पर्सन है और उसकी सैलरी ही 50,000 है और जिसने लोन लिया हुआ है, उसने लोन लिया हुआ है 5 लाख का, 10 लाख का, और उसकी वो गारंटी दे रहा है, तो बैंक कभी भी ऐसे इंसान की गारंटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी वीक है कि वो अगर अपनी पे करना भी शुरू करे तो 50,000 अगर वो बैंक को दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा। इसीलिए बैंक कभी भी ऐसे शख्स की गारंटी एक्सेप्ट नहीं करता जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो। अब उसमें बैंक ने उसके एक तो सोर्स ऑफ इनकम देखेगा, दूसरा उसके टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कि अगर इनकेस ये डिफॉल्ट कर जाता है हमारा डेटर और ये गारंटर को पे करना पड़ता है, तो इसके पास इतनी प्रॉपर्टी या जायदाद है कि ये उसको पे बेच के हमें पैसा दे सके। सेकंड है दी अमाउंट ऑफ लोन, मैंने वही ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने कोट किया था कि जी उसने 10 लाख का लोन लिया अगले बंदे ने, तो आप अमाउंट ऑफ लोन को भी मद्देनजर रखेंगे वाइल टेकिंग गारंटी, कि आप कितने लोन की अमाउंट के अगेंस्ट उसकी गारंटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसकी गारंटी इनफ है। हाँ, अगर 2-3 लाख के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी की पर्सनल गारंटी, तो आपको पता है कि वो इंसान कहीं से अरेंज करके दे देगा, लेकिन अगर 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख का लोन है तो उसके अगेंस्ट कभी भी बैंक, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ लोन के अगेंस्ट कोई भी छोटी मोटी गारंटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, कोई ऐसे शख्स की गारंटी एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास करोड़ों की जायदाद या पैसा हो कि वो आपको फॉरन से पे कर दे। ड्यूरेशन ऑफ लोन, आपके लोन की ड्यूरेशन या मुद्दत कितनी है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, उसमें एक एज का फैक्टर भी आ जाता है, अगर उस श्योरिटी या गारंटर की एज ही 50 to 60 years है और आपके लोन के जो मतलब ड्यूरेशन है वो 10 साल, 15 साल है, तो कभी भी बैंक उसकी एक गारंटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन रिगार्ड के जी, मतलब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान भी प्रैक्टिकल होके या बैंक आपके जो है वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता 2-4 साल में इस शख्स को कुछ हो जाता है या उसकी फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो बैंक कभी भी उसकी सिक्योरिटी को या गारंटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोन, कहता है जी गारंटी लेते हुए या गारंटी देने के दरमियान बैंक ये भी देखता है जी कि जो शख्स लोन लेके जा रहा है उसके अगेंस्ट इस शख्स को एज ए गारंटी, मतलब हमें एज ए सिक्योरिटी इसकी गारंटी दे रहा है, इससे जमानत दिलवा रहा है, उस लोन का पर्पस क्या था। अगर तो वो प्रोडक्टिव लोन यानी पैदावारी कर्जा है, उसको लेके उसने कोई बिजनेस में पैसा लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो हमें पता है जी वो हमें पैसा रीपे कर देगा। बट अगर वो नॉन प्रोडक्टिव लोन है और उसके अगेंस्ट वो बैंक को सिक्योरिटी रखवा रहा है या गारंटी रखवा रहा है किसी शख्स की, तो वो कहते हैं जी इस तरह के लोन को लेते हुए भी बैंक, या पहले तो बात है बैंक बहुत कम इस तरह के लोन्स देता है जो आपके नॉन प्रोडक्टिव लोन या गैर पैदावारी कर्जे हों, जिनको लेके बंदे ने गाड़ी खरीद लेनी है, बंगला बना लेना, यानी जिनसे आपको इनकम आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बैंक लाजमी देखता है, कभी भी इसी तरह किसी को ना तो पैसे दे देता है ना किसी की गारंटी या सिक्योरिटी एक्सेप्ट करता है। सोर्स ऑफ इनकम, आप गारंटर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो सैलरीड पर्सन है, अगर बिजनेस मैन है तो उसके सारे वो मतलब बिजनेस की कैपेबिलिटीज देखेगा, बिजनेस को देखेगा, अगर वो कहीं पार्टनर है किसी पार्टनरशिप बिजनेस में तो वहाँ देखेगा जी उसकी लाइबिलिटीज उधर कितनी है। इन शॉर्ट उसने उनके सारे सोर्स ऑफ इनकम से मुराद वो काम करता है अगर सैलरीड पर्सन है तो उसके साथ साथ उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ से पैसे उसको आते हैं, वो सब भी देखेगा। करेक्टर, करेक्टर का मतलब है जी जाति किरदार, मॉरल करेक्टर के उसकी खसूसियात क्या हैं, वो अच्छा इंसान है या नहीं है। अगर तो कोई गुंडा टाइप इंसान है तो जाहिर बात है जी अगर डिफॉल्ट कर जाता है कस्टमर तो वो आपको धमका के जो आपकी गारंटी है या जिस शख्स ने जमानत दी, अगर वो दो नंबर शख्स है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है पहले से ही, एक दो बंदे उसने पहले से मारे हुए हैं, तो कभी भी बैंक ऐसे शख्स की गारंटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को यही होगा जी कि अगर कल को डिफॉल्ट कर जाता है हमारा डेटर तो ये शख्स हमें डरा धमका के हमसे कर्जा माफ करवा लेगा। उसके बाद है जी बिजनेस के कैपेबिलिटीज, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो शख्स बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के एसेट्स देखे जाएंगे, उसकी बैलेंस शीट देखी जाएंगी कि कितने एसेट्स हैं, इसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस का कैपिटल कितना है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी जाएगी कि इसको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर इसको पे करना पड़ता है या इस पे सारा बर्डन शिफ्ट होता है तो ये हमें पे ऑफ कर सकेगा या नहीं। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट में वही आ जाते हैं जी कि उसका घर, गाड़ी, बंगला, जायदाद, कितनी उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, ताकि अगर उसकी इनकम इनफ नहीं है तो वो उसके बाकी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको बेच के वो मेरे पैसे दे देगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कहते थे जितनी ज़रूरी मालूमात होंगी गारंटर के बारे में आपने वो सारी की सारी इकट्ठी कर लेनी है, उसमें ये ऊपर वाली सारी भी हो सकती हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं कि कहीं इसने किसी और शख्स की गारंटी तो नहीं दी हुई, यानी कि किसी और बैंक में किसी और शख्स के लिए एज ए गारंटर का काम कर रहा और उसकी अमाउंट ऑफ लोन इतनी ज़्यादा हो कि अगर वो डिफॉल्ट करता है तो ये हमारे बैंक का पैसा पे ऑफ ना कर सके। ठीक है जी, इतना काफ़ी है, बाकी की जब इंशाल्लाह ताला क्लासेस खुलेंगी या सॉरी कॉलेजेस ओपन होंगे और रेगुलर क्लासेस फिजिकल क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें कवर कर लेंगे। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।